92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप चाय पी रहे होंगे या शायद न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या हो सकता है कि आप टहलने गए हों, लेकिन जब टहलने भी जाइए तो कान में ये हेडफोन लगा लीजिए और जरा सुनिए सहर कार्यक्रम को। आज के सहर कार्यक्रम में एक दोहा बताता हूँ। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि किसी गरीब आदमी को देखकर उस पर हंसी नहीं, कबीरा गर्व न कीजिए रंक न हसीए कोए, अजहू नाव समुद्र में ना जाने क्या हुए। अभी तो आप जीवित हैं, अभी तो आपकी जो नाव है वो समुद्र में है, और किसी बेसहारे पर हंसना और उसको मदद न करना, किसी वक्त भी उसका आपको असर, बुरा असर मिल सकता है, क्योंकि आपकी नाव अभी समुद्र में है, पता नहीं किस वक्त पानी आपके ऊपर आ जाए। इसलिए कबीरा गर्व न कीजिए, कबीरा गर्व न कीजिए रंक न हसीए कोई, कबीरा गर्व न कीजिए रंक न हसीए कोई, अजहू नाव समुद्र में ना जानो क्या होए, अजहू नाव समुद्र में ना जानो क्या हो। इसलिए किसी की मजबूरी देखकर उसको मदद कीजिए, उस पे हंसिए नहीं। यही बातें हैं जो जीवन को सुंदर बनाती हैं, और आपके आसपास के लोग भी जिन्हें देखने के बाद यही चीज सीख में मिलती है, उनकी भी आदत बनती है, वे भी अच्छे इंसान बन जाते हैं। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यह सहर कार्यक्रम, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक मंदिर की ओर। आज आपको ले चल रहा हूँ कर्नाटक में अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर। जी हाँ, होरानाडु एक जगह है जो कर्नाटक में करीब 100 किलोमीटर दूर है, और वहां जाकर आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर भूकंप वगैरह में कुछ टूट फूट गया था, फिर इसको दोबारा बनाया गया और इसको नया नाम भी दिया गया, आदि शक्ति माता श्री अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर। ये पार्वती देवी का स्वरूप है जो सारे संसार को अन्न खिलाती है। वहां जो भी आता है उसको ब्रेकफास्ट, लंच, टी और डिनर सब कुछ वहां मिलता है खाने के लिए। वहां जो देवी की मूर्ति है वो सोने की है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर को किसी ने श्राप दिया था, और उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यहाँ आके अन्नपूर्णेश्वरी की पूजा की थी, और उस श्राप से उन्हें मुक्ति मिल गई थी। जो लोग यहाँ आकर पूजा करते हैं उन्हें कभी जीवन में खाने की कमी तो रहती नहीं है। इसलिए चलिए हम सब चलते हैं और उस मंदिर के दर्शन करते हैं, कम से कम खाने की प्रॉब्लम तो दूर हो जाएगी सारे जीवन की। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ एक भजन। भजन सुनिए और उसके अंदर छिपी हुई कथा को, उसके संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ, और अब मैं आपको एक भजन सुनाऊंगा, उस भजन का आनंद लीजिए। जय गणेश गणनाथ दया निधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे, प्रथम धरे जो ध्यान तुम्हारो, तिसके पूरण कारज सारे। जय गणेश गणनाथ दया निधि, लंबोदर गजवदन मनोहर, कर त्रिशूल परशुवर धारे, रिद्धि सिद्धि दो चमर ढुलावे, मूषक वाहन परम सुखारे। जय गणेश गणनाथ दया निधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे, ब्रह्मादिक सुर ध्यावत मन में, ऋषि मुनि गण सब दास तुम्हारे, ब्रह्मानंद सहाय करो नित, ब्रह्मानंद सहाय
करो नित भक्त जनों के तुम रखवारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम और अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा आज की हमारी अतिथि कलाकार। आप हैं संजीवनी, इसके पहले भी हमारे कार्यक्रम में आई हैं। एक बार फिर उनको हम प्रस्तुत करके बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी गायिका हैं। संजीवनी जी नमस्कार। नमस्कार अनूप जी, कैसी हैं? ठीक हैं जी, बहुत सुंदर। तो थोड़ा आपके बारे में जानना है कि आपके घर में परिवार में और कौन कौन गाना गाता है? व्यावसायिक रूप में तो कोई नहीं गाता, लेकिन अंतरंग के रूप में सभी गाते हैं। खास करके मेरी माताजी बहुत संगीत में रुचि रखती है और उनकी भी आवाज बहुत सुरीली है। वाह, बहुत अच्छा। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमारे शहर कार्यक्रम में आई हैं। तो आज कौन सा भजन आप सुना रही हैं? ये मेरा एल्बम है मीरा एंड मी, जिसमें मैंने मीरा बाई के पदों का कुछ अंग्रेजी गीत अनुवाद किया है। अच्छा, दैट्स नाइस। तो खास करके युवा पीढ़ी के लिए, ताकि मीरा के पद उन तक भी पहुंचे। गाइए। मीरा कहती है जो तुम तोड़ो पिया जी, जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ूं, तो सुप्रीत तोड़ कौन संग जोड़ूं, कौन संग जोड़ूं। If you were a tree, I'd be a birdie. If you were the sea, a fish I would be. तुम भई तरुवर, मैं भई पंछिया। तुम भई सरोवर, मैं तेरी मछिया। तुम भई मोती, हम भई धागा। तुम भई सोना, हम भई सुहागा। If you were a pearl, I'd be the string. If you were gold, I'd be the shimmering. जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ूं, तो सुप्रीत तोड़ कौन संग जोड़ूं, कौन संग जोड़ूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज जो लोग अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं वो इस भजन का इतना आनंद लेंगे। संजीवनी जी, आपने ये बहुत अच्छा प्रयोग किया है और ये प्रयोग खूब सफल हो, घर घर पहुंचे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो मच। आज का सहर कार्यक्रम हम संजीवनी जी के ही गायन से समाप्त करते हैं। कल सुबह आपको फिर मिलेंगे और एक नए सहर कार्यक्रम के साथ। तब तक अनूप जलोटा को इजाजत दीजिए। मैं चला, मैं चला, मैं चला। सुनते रहिए सहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।